ममता बनर्जी की भाभी और तृणमूल पार्षद कजरी बनर्जी इस मामले में साजिश की आशंका जाहिर कर रही है। उन्होंने कहा है कि दीदी धक्का लगने से गिरी, यह खबर एक नेशनल अखबार नवभारत टाइम्स में छिपी है, जिसमें कजरी बनर्जी के हवाले से बताया गया है कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया है। तो अब देखिए कि जो परिवार है, जिसका जिक्र मनीष भी कर रहे थे कि परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि साजिश हो सकती है, उन्हें पीछे से धक्का दिया गया है। अब देखिए, ममता दीदी की साजिश की बू आ रही है, उनके भाभी का कहना है। अब नेशनल अखबार नवभारत टाइम्स में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी का भी बयान भी छापा गया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने बेडरूम में गिर गई और उनके सिर पर चोट लग गई। उन्होंने अखबार को बताया कि वो अपने बेडरूम में थी और अचानक बिस्तर के पास गिर गई। ये कैसे हुआ हम अभी भी अनजान है, क्योंकि मैं घर पर नहीं था, मेरी पत्नी काजोरी उनके साथ अस्पताल गई थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ कि ये कैसे हुआ। अब देखिए, दो हमने आपको बताए हैं स्टेटमेंट। पहले काजोरी कह रही है कि साजिश हो सकती है, साजिश की बू आ रही है, धक्का दिया गया, गिर गई। अब भाई कह रहे हैं कि मैं तो नहीं था, लेकिन वो अपने बेडरूम में थी, बेडरूम में फिसल गई, वो गिर गई, उसके बाद मेरी पत्नी काजोरी लेके उनको हॉस्पिटल पहुंची। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री बंगाल की कैसे घायल हुई, कैसे वो आहत हुई हैं और कैसे उन्हें चोट लगी है। एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त आप कह सकते हैं सभी के सामने है, और इसी को लेकर लगातार पुलिस भी मंथन कर रही है। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री, जिनके 24 घंटे आसपास सिक्योरिटी मौजूद रहता है, बॉडीगार्ड मौजूद रहते हैं, कैसे ये हो सकता है। अब इंडिया टीवी से ममता की भाभी ने कहा है कि ममता को किसी ने धक्का नहीं मारा है, ये काजोरी का कहना है जो उनकी भाभी है। घर में दीदी को धक्का कौन मारेगा, अब ये उनकी तरफ से बयान आ रहा है। तो आप सोचिए कि पहले बयान आया कि धक्का दिया, अब वही परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, घर के अंदर थी, धक्का उनको कौन मारेगा, यह कहना है काजोरी बनर्जी का, जो भाभी है। और यही जो काजोरी बनर्जी है, ममता बनर्जी को सबसे पहले उन्होंने देखा और वो लेकर अस्पताल आई थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पहले जो वर्जन आया डॉक्टर की ओर से कि ममता बनर्जी को पीछे से किसी ने धक्का दिया, जिसकी वजह से गिरी और उनके माथे और नाक पे चोट लगा। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि डॉक्टर से ने कहा कि नहीं, ममता बनर्जी को पीछे से कोई फोर्स लगा था और वो गिर गई थी। लेकिन परिवार की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि दीदी अपने कमरे में ही थी, अपने कमरे में वो गिर गई थी, गिरने के बाद उन्हें चोट लगी। अब जो सवाल उठता है कि क्या पीछे से किसी ने धक्का दिया, तो उनकी जो भाभी है काजोरी बनर्जी का कहना है कि नहीं। मॉर्निंग, मनीष भट्टाचार्य मैं बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। दीदी, मैं पूछा था वो कि कल ममता दीदी को चोट मतलब कैसे लगी, क्या धक्का पीछे से किसी ने दिया है, आपने बोला था? नहीं, नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया। वो कल आपने बोला था ना कि संभवतः किसी नहीं बोला, बोला देखिए वो चोट क्या बोल रहा है, बोला है क्या पीछे से धक्का लग गया। हाँ। किसी ने धक्का नहीं दिया। हाँ। किसी ने धक्का लगा मतलब किसी ने लगाया होगा, मतलब धक्का मारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा घर में, क्योंकि कल हॉस्पिटल में आपने बोला कि संभवतः किसी ने पीछे से धक्का मारा है। दीदी, मैं पूछा था वो कि कल ममता दीदी को चोट मतलब कैसे लगी, क्या धक्का पीछे से किसी ने दिया है, आपने बोला था? नहीं, नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया। वो कल आपने बोला था ना कि संभवतः किसी नहीं बोला, बोला देखिए वो चोट क्या बोल रहा है, बोला है क्या पीछे से धक्का लग गया। किसी ने धक्का नहीं दिया। किसी ने धक्का लगा मतलब किसी ने लगाया होगा, मतलब धक्का मारा? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कैसे होगा घर में। तो आपने यहाँ पर सुना कि हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने काजोरी बनर्जी के साथ बात की। काजोरी बनर्जी ममता बनर्जी की भाभी हैं, उनका कहना है कि धक्का लग के ममता बनर्जी गिरी, ये बात सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को पहली बार चोट लगी है, इससे पहले भी चुनाव के दौरान उन्हें चोट लगी है। साल 2021 में जब विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में प्रचार कर रही थी, तब ममता बनर्जी को पांव में चोट लगी थी और इसके बाद उन्होंने, आपने देखा था, जबरदस्त जीत हासिल की। एक बार फिर से मनीष का रुख करते हैं। मनीष, ये तो एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है, क्योंकि काजोरी बनर्जी से आपने बात की, तो काजोरी बनर्जी को तो काफी सारे न्यूज चैनल्स उसके साथ अखबार बंगाल के कोट करके बता रहे हैं कि उन्होंने ये बोला था कि धक्का लगने के बाद वो गिर गए, लेकिन आपके साथ जब बातचीत हो रही हो तो साफ मना कर रही हैं। देखिए, कल SSKM अस्पताल में स्टेटमेंट काजोरी बनर्जी का था कि जो उन्होंने बंगाली में ये बोला भी था कि संभवतः पीछे से धक्का दिया जो उनको पता लगा, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन आज जो हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि किसी ने धक्का दिया है, मैंने ये बोला है कि संभवतः पीछे से धक्का लगा है।
तो अब इसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि लगा है अगर धक्का पीछे से तो कैसे लगा, अगर दिया भी है किसी ने धक्का तो किसने दिया। ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब ममता बनर्जी ही दे सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आखिरकार घर के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर कोई धक्का देगा तो कौन है वो, भाई क्या मंशा है, क्यों इस तरीके की, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है, एक सुरक्षा एक चक्र होता है, लेकिन अभी भी कोई कुछ इसमें कहने को तैयार नहीं है। हाँ, काजुरी बनर्जी ने कल SSKM अस्पताल में जब मीडिया बाइट ले रही थी तब बोल दिया था ये कि पीछे से धक्का लगा है उनको, एक चीज तो की जानकारी उनको मिली है। एक चीज तो आपको भी पता होगा, एक बार क्लियर भी कर दें, क्योंकि ममता बनर्जी का जो घर है वहां पर अंदर कौन जाएगा नहीं जाएगा परिवार के अलावा कोई जा नहीं सकता, बाहर आपको पता है किस तरह से पुलिस के लोग वहां पर मौजूद रहते, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार घर के अंदर क्या बाहर का कोई व्यक्ति गया, क्योंकि घर के अंदर का अगर व्यक्ति है वो क्या ऐसा कर सकता है। इसी को लेकर सारा का सारा सस्पेंस क्रिएट हुआ है, इसी वजह से काजुरी बनर्जी का जो बयान है बहुत जबरदस्त तरीके से हर एक मीडिया में चल रहा है, लेकिन काजुरी बनर्जी ने खुद ये बोल दिया काजुरी ने कि नहीं, उनको किसी ने पीछे से धक्का नहीं दिया। ममता की चोट को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। চিকিৎসা ঠিক হোক, এটা এখনো বাড়ির লোকেরা কেউ বলতে পারছে না। আমরা সংবাদ মাধ্যম থেকে যেটা শুনছি, উনি ওনার ঘরেই পড়ে গিয়েছেন, কিভাবে চোট লেগেছে সেটা স্পষ্ট এখনো কোনো ইনফরমেশন তারাও দিতে পারছেন না, কারণ বাড়ির প্রত্যেকের মানুষের উদ্বেগ আছে। সেই সময় ওনার সঙ্গে পরিবারের কে ছিলেন তো বোঝা যাচ্ছেন। আমরা শুনেছি ওনার ভাই বললেন যে বাড়ির লোকের, তিনিও দূরে আছেন, বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ফোনে পাচ্ছেন না। যাক, ওনার সুস্থতাটাই এখন কামনা, কিভাবে পড়েছেন সেটা পরে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু